हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। चलिए न्यू ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं फ्रेंड्स। और अभी तो टाइम है शाम का, जा रहे हैं चाय बनाने फ्रेंड्स। ये देखिए, आज फ्रेंड्स हमने धूप में सामान डाला था, बहुत पता नहीं कैसे छोटे छोटे कीड़े आ गए थे फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, कढ़ी बनाने चलते हैं। बेसन को पहले चाल लीजिए और कढ़ी जो है वो हम अपने मेथड से आपको बताएंगे। चलिए देखिए, तो पहले आप बेसन को चाल के और उसमें हींग मिला लीजिए। हींग मिला के अच्छी तरह से फेंट लीजिए और फेंटने पे उसमें बीच बीच में बेसन में ऐसे बुलबुले जैसे आ जाते हैं, फिर आप जानिए हमारा बेसन फट गया है। और इसकी पकौड़ी बना लीजिए। इसके बाद हमने बेसन कढ़ी को सॉरी दही और बेसन मिला के छोंक दिया और हमारी कढ़ी तैयार है। अब फ्रेंड्स हम पकौड़ी डाल रहे हैं इसमें। तड़का आपको नहीं दिखा पाए किस तड़के में, लेकिन हम बता दे रहे हैं आपको तड़के में क्या क्या पड़ता है। हाँ। फ्रेंड्स जीरा, हींग और कढ़ी में फ्रेंड्स जीरा, हींग जो चाहिए, हरी मिर्च, एक प्याज हम यही डालते हैं फ्रेंड्स, और मेथी, ये सब चीजें फ्रेंड्स डालते हैं। और अब हम साइड में सब्जी बना रहे हैं, रोटी कढ़ी सब्जी हमारी नहीं हो रही है। देखिए कढ़ी हमारी हो चुकी है, इसको पकड़ा जाता है और इसको अभी हम ढक देंगे। आप लोग को कैसी लग रही है कढ़ी? अगर अच्छी लग रही हो तो कमेंट करिए। और फ्रेंड्स कढ़ी में मसाला नहीं पड़ता है बिल्कुल, केवल हल्दी पड़ता है। और ये देखिए आलू की सूखी सब्जी फ्रेंड्स, ये हमने कढ़ी के साथ खाने के लिए बनाई। और रोटी फ्रेंड्स, चावल नहीं बनाया आज। और अब हम प्लेट लगा रहे हैं, थाली सबके लिए, कढ़ी रोटी और सब्जी। ये हमारा लंच है दोपहर का। और ये देखिए फ्रेंड्स, आप लोग को थाली कैसी लग रही है? और फ्रेंड्स अगर हमारे ब्लॉग में आप लोग को पसंद आता है तो आप लोग लाइक करिए, कमेंट्स करिए एंड सब्सक्राइब करिए।